guys ko hello. Hello, welcome to my vlog. Papa. ये मंकी और ये मंकी दोनों सेम है। जय माता दी, हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है अगेन परम के पापा की छुट्टी से। तो परम और पापा मम्मी सब नहा धो के पूजा करके हो चुके हैं रेडी। तो हो चुकी है हमारी सुबह, तो फिर चलो अब बनाते हैं कुछ नाश्ता। आज जैसे कि आपको पता है परम के पापा के छुट्टी पर हमारी सीरीज बनती है, हम कुछ अच्छा बनाते हैं। कुछ बनाती हूँ मैं उनके लिए स्पेशल, क्योंकि पूरे दिन तो ऑफिस का वही रूटीन रहता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ छुट्टी वाले दिन एक मील तो अच्छा हो। तो अब मैं चलती हूँ कुछ ब्रेकफास्ट बनाने। मैं बताऊंगी नहीं आपको, दिखाती हूँ सीधा मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ बर्गर, जिसके लिए मैंने सारा सामान जो है अपना रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश ओवन के बर्गर लिए हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये मैं चीज़ स्प्रेड ले रही हूँ अमूल का, टिक्की मैंने ली है मकेन्स की, और ये मैंने थोड़े से प्याज और खीरे को जो है आप नमक के पानी में या सिरके के पानी में भिगो ले, इससे एक अच्छा टैंगी फ्लेवर आता है। और मैंने लिया पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, इसकी जगह आप मेयोनीज और टमाटर सॉस का भी मिक्स लगा सकते हैं, पर इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं जो टिक्की है फ्राई होने रख देती हूँ। ये देखिए टिक्की जो है मैंने अभी मकेन की यूज़ की है, वैसे मैं इसे घर में बना के ही फ्रोज़न भी बनाती हूँ, जो इस पर मेरे चैनल पे आपको इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी। पर अभी परम जो है मुझे करने नहीं देता इतना कुछ, तो अभी मैंने ये यूज़ करी है। छूने रख देती हूँ, आप चाहें तो कुछ लगा सकते हैं बटर वगैरह, या मैं इसको इसी तरीके से हल्का सा टोस्ट करूंगी। देखिए टिक्की भी एकदम फ्राई हो चुकी है, यहाँ पे मेरे बर्गर टोस्ट हो गए। तो यहाँ पर हो रही है मेरी तड़के वाली मैगी और यहाँ पर हो रही है चाय। तो मेरे को आ रही है परम की आवाज़, एक बार मैं उसे देख कर आती हूँ वो क्या कर रहा है अपने पापा के साथ। यहाँ देखिए परम क्या कर रहा है, मम्मम पी रहा है, अपने पापा को भी नहला रहा है मम्मम से। ये क्या कर रहे हो बेटा, गंदी बात, आप मना क्यों नहीं करते हो उसको, चिता नहीं करता ये। बर्गर को प्लेस, ये देखिए कितना अच्छा टोस्ट हुआ है ना। तो बस अब क्या करना है आपको, मैं तो लगा रही हूँ क्रीम चीज सबसे नीचे वाले पोर्शन पे इस तरीके से। आप चाहे तो स्लाइस चीज भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे को तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए ना, बहुत ही टैंगी फ्लेवर आएगा इनका। मैंने हल्का सा पानी और सिरके में करा है, ये देखो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए। अब मैं करती हूँ, हाँ बेटू का बोलियो, ये हमारी छोटी सी टिक्कू और ये परम के पापा का है तो वो खाएंगे टमाटोज भी। तो मैं पहले इस पे एक और ऑनियन लगा देती हूँ, इसी के तो टेस्टी फ्लेवर आते हैं। और आपको चाहिए इसमें ककुम्बर भी और ऐड कर दो। आज जो है परम के पापा शूट कर रहे हैं, देखती हूँ मैं कैसा आते हैं शूट पे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब ये मैं जो है ना पिज्ज़ा पास्ता सॉस कर रही हूँ यूज़, आप इसमें मेयोनीज या वो लोग करते हैं क्या करते हैं मेयोनीज और टमाटर सॉस मिक्स कर लेते हैं, बट आप एक बार इसे भी ट्राई करना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरीके से इसको यहाँ प्लेस कर लो, बस ये देखो हल्का सा प्रेस, ये देखो हो गया ना रेडी बर्गर। तो ये देखिए आज का हमारा यम्मी सा ब्रेकफास्ट, जिसमें है टेस्टी सा बर्गर, पटेटो चिप्स, तड़के वाली मैगी और गर्मा गर्म चाय। तो चलते हैं इसे परम के पापा को देने। हाँ जी, ये लीजिए आज का आपका स्पेशल मील। आप बहुत मेहनत करते हैं ऑफिस में, डेली डेली वही चीज़ें खाकर बोर हो जाएंगे।
मैंने सोचा कुछ स्पेशल बनाऊं क्योंकि घर का है और मैं टेस्ट करके बताओ मेरे को जल्दी जल्दी भाई। परम बग्गा खाओ टेस्टी है ना। उस दिन मैंने इनको ऑफिस भी दिया था, कह रहे मेरे को मिला ही नहीं, तो मैंने कहा छुट्टी वाले दिन आपके लिए आराम से बना दूंगी। तो चलते हैं, अब करेंगे हम लोग ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा करेंगे फैमिली टाइम एंजॉय अपना। परम के लिए मैंने ओट्स बनाए हैं, परम को ओट्स खिलाऊंगी जब तक उसे पापा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए परम अपने ओट्स एंजॉय करता हुआ, आज उसके पापा खिला रहे हैं, आज है पापा डे। पापा पापा जी बोल दो, ये आपके पापा। ठीक है जी, हम शाम को ही तुम्हारी, मैं भी कुछ महीने तुम्हारे साथ वही रहूंगी। शेर और शेरनी, बंदरिया, चमेली और अपने छोटे से बच्चे के साथ पेड़ पर रहता था। बंदर चुपके से शेर और शेरनी की सारी बातें सुन लेता है। मामा को मार लो। और खुशी से उछलता हुआ चमेली के पास। मामा को मार लो आप। ये मंकी और ये मंकी दोनों सेम है। जाओ दरवाजा खटखटाओ, जाओ जल्दी। कहाँ गए परम पापा? नो नो परम, नो नो मामा मालिक की चिता नहीं निकला। नो 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 आ मामा पाछ आएगी आज। अम्मी गुया क्या कर रही है परम? मामा को कू मार लिए तो मेरा बेट टर्न कर दो। क्या कर रहे हो परम? नहीं नहीं करना है जी, है जी नहीं करना। मम्मा ओए मम्मा, ओए मम्मा, मम्मा के लग गई। हेलो वेलकम टू माय व्लॉग पापा जी एंड व्लॉग। पापा जी आ गए, डिंग लक लक डिंग लक लक, पापा जी आए डिंग लक लक, पापा जी है, बोलो पापा जी। अब देखिए हो चुकी है शाम, तो करना है डिनर तैयार। तो मैंने आज बनाने की तैयारी करी है वेज पुलाव या वेज बिरयानी, क्योंकि आज है मंगलवार, परम के पापा को खानी थी बिरयानी, तो मैंने सोचा वेज बिरयानी को ही उसी तड़के के साथ बनाया जाए। तो मैंने यहाँ दो कटोरी चावल भिगोए हैं, थोड़ी सी मैंने सोयाबीन भिगो दी थी, यहाँ पे प्याज ले लिया है, आलू, बीन्स, मटर, जो भी सब्जी अभी अवेलेबल हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए जो सब्जियाँ हैं इसको मैं करने लगी हूँ मैरिनेट। तो उसके लिए मैं पहले डालूंगी इसमें 2 चम्मच थिक दही, दो छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर लिया है देखिए मैंने बेसिक सा मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच मैंने लिया है चिकन मसाला और कस्तूरी मेथी। इन सबको भी इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको रख दूंगी 15 मिनट के लिए फ्रिज में।
भागा भागा पापा की पूछ भागी। ये छुट्टी वाले दिन परम अपने पापा के पीछे पीछे शुरुआत में ही इंसान को बिठा दिया और कोई प्रॉब्लम आ गई तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। नासा पर वापस आए तो नासा ने 2011 के कैसे भगा रहे हो ना बच्चे को। इनका जो स्पेसक्राफ्ट था वो था ये क्रू ड्रैगन। यहाँ पे देखिए मैंने कुकर रख दिया है और इसमें मैंने डाला है 2 बड़े चम्मच ऑयल। यहाँ पे मैंने ले लिया जीरा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, सब कुछ इसमें डाल देंगे। ऑयल भून लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से क्रैकल होने लगे हैं तो अब डाल देते हैं स्लाइस ऑनियन। प्याज देखिए हल्के से पिंक होते ही मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जियां सारी। इसको हम 5 मिनट के लिए इसी तरीके से कुक होने देंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद सब्जी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें डालते हैं राइस, इसको कर देते हैं मिक्स। मैं डालूंगी मैं 2 चम्मच और इसमें जाएगा अभी मैजिक इंग्रेडिएंट, 1 चम्मच देसी घी जाएगा, इसमें पानी, चीजों को अच्छे से मिक्स के बाद मैं लगाती हूँ ढक्कन और इसमें लगाते हैं 2 विसल और चलते हैं रायता बनाने। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही ले लिया, मिक्स कर लिया है जिसे अच्छे से। और यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, खीरे और हरी मिर्च जिसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ में डालेंगे हम काला नमक, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता रहते में। सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। हमारा रायता भी तैयार हो गया है। राइस जैसे ही बनते हैं करते हैं प्लेटिंग। कुकर ठंडा हो चुका है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ गुलाब खोल के। ये देखिए हमारी वेज पुलाव, वेज बिरयानी। तो देखिए हो चुकी है प्लेट तैयार, परम का भी हाथ आ गया है तो चलते हैं परम के पापा को देने। चलो परम, चलो 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 डिनर करेंगे, आ जाओ। तो मैं तो चली उनको देने, लेने उनका रिव्यू। ये लो देखो, आज आपको वेज में मैंने चिकन वाला टेस्ट देने का करा है ट्राई। आप भी बताओ अच्छा बनाए, टेस्ट है। चलो आप डिनर करो, परम और पापा कर रहे हैं डिनर, अब मम्मा भी कर लेती है टेस्ट। नहीं करे तो अब मैं करने लगी हूँ डिनर। तो आप ही सोच रहे होंगे कि ये टेस्टी सी करेला कैसे इस पर आ गया। तो ये करेले की रेसिपी मैंने आज बनाई है जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अब मैं करूँगी अपना डिनर एंजॉय। इस वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जब तक के लिए बाय बाय। परम भी कह रहा है बाय।